इंडिया का बहुत जो डीप में जो टैलेंट है वो कितना ऊपर आएगा? या हर बार मेरी कोशिश यही रही है कि मैं इंडिया में जो चल रहा है उसी को, उसी के ऊपर मैं फिल्म बनाऊँ। और मेरी ABCD 1 भी मैंने उसी पे बनाई थी, और जो डांसेस हैं वो हर वक्त ऐसे ही सब लोगों को लगता है कि जब मैंने ABCD 1 बनाई थी तो सब लोगों को लगा था ये तो कॉपी कर रहा है स्टेप अप की। बट फिल्म देखने के बाद आज तक किसी ने नहीं बोला है कि वो स्टेप अप कॉपी है। अब ये मैंने बनाई है तो ये भी सब लोग को लग रहा है कि ये भी कॉपी है, बट प्लीज फिल्म देखिए उसके बाद डिसाइड करिए कि कॉपी है कि नहीं। एंड रेमो, अमंग श्रद्धा एंड वरुण, हु इज अ बेटर डांसर अकॉर्डिंग टू यू? कौन है बॉयज दोनों? सुशांत है, सुशांत। अरे बोथ ऑफ देम आर फैंटास्टिक, आप देखिए फिल्म देखिए आपको पता चल जाएगा। वरुण, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू। फिल्म में तो आपने काफी सारे डांस फॉर्म्स किए हैं, बट टावल डांस के बारे में आपका क्या ख्याल है? टावल डांस आई थिंक टावल डांस अच्छा है, बाथरूम में करेगा इंसान तो ठीक है, बाहर नहीं करना चाहिए। बट मैंने सिल्क किया है पहली बार, इट्स इन माय एरियल सिल्क, फर्स्ट टाइम आई डिड इट। एंड बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था रेमो सर का, एंड पुनीत जो झलक दिखला जब पे बहुत दिखे और बहुत पॉपुलर है, उन्होंने बहुत मदद की ये सेट करने में एंड कंसेप्चुलाइज करने में, और बहुत सुंदर तरीके, इमोशनल गाना है, सो लिप सिंक नहीं है उसमें, द सॉन्ग इज गोइंग ऑन बिहाइंड। एंड लाइक आई सेड, वी डांस टू एक्सप्रेस नॉट टू इम्प्रेस, सो इट्स ऑल अबाउट एक्सप्रेशन एंड शोइंग द पेन फ्रॉम विद इन, और वॉट आई वॉन्ट टू से थ्रू माई डांस। बहुत अच्छा सवाल है आपका, एटलीस्ट एक चीज क्लियर हो जाएगी, ये ABCD 1 और ABCD 2 में कोई कनेक्शन नहीं है, ये टोटल डिफरेंट स्टोरी है। ABCD 1 टोटल डिफरेंट स्टोरी थी, ये टोटल डिफरेंट स्टोरी है। सो इस वाले कहानी में मुझे कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर नहीं था जो मैं KK जी को लूँ, दैट्स व्हाई इट्स नॉट, ही इज नॉट देयर। हेलो, एक सवाल मेरा है, मैं इधर हूँ, ये फिक्टिशियस ग्रुप पे ये कहानी है, सुरेश मेन है, उनके साथ श्रद्धा है, रियल में जो सुरेश है उनके साथ श्रद्धा कौन है? उनकी है सुरेश, खड़े हो जा, तेरी विनी किधर है? हाँ, विनी नहीं है, अच्छा ये लड़का है एक्चुअली। सुरेश की भी विनी है, उसकी शादी हो गई है, उसकी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है, उसको देख के ऐसे लगता है कि वो बैचलर है, नहीं पर शादी हो गई है उसकी। और सुरेश के साथ ज्यादातर तो वर्णन नहीं रहता है, तो कई कई बार लोगों को लगता है कि उन दोनों की शादी हो गई है, बट दोनों के पास रिस्पेक्टिव गर्ल्स हैं। एक सवाल मेरा सिद्धार्थ साहब से है, यही हूँ, ये फ्रेंचाइज के बारे में थोड़ा बताइए, बिंदास पे किस तरह से रहेगा, क्या होगा उसमें? जी, सो एज वी शोड यू जस्ट नाउ, हम क्या कर रहे हैं बिंदास पे, वी आर डूइंग अ टीवी शो विच इज सेंटर्ड अराउंड द थीम ऑफ डांस, and that is going to be on air around the time of the release of the movie. So building off the success, the potential success of the movie, which we all hope for, we want to take it into consumer products, into mobile games, into television shows, into lots of things that actually run across various verticals of our company. And of course, we have a channel called Bindas, which caters to a youth audience, at 15 to 24 youth audience. It reaches out to around 60% of them across the country. And that's the idea of doing this show. Sir, this brand would be international or national? Matlab, this franchisees are going to be international or only in India? See, we'll be reaching out to South Asians, like really around the world. You've got 30 million South Asians outside of India, and who love the film industry, who love Bollywood. And the idea would be to take this film to all of them. And sure, if it goes wider, why not? But of course, our own audience actually is enough to satisfy us and has been for all these years. And sir, is ABCD the next part, are going to see some international faces or the dancers or... You know, it's really early, and that's a question Remo will have to answer. Right now, we're all focused on ABCD 2 and we want to put all our energies into this. But sure, I think Remo comes up with new ideas all the time. One sneak peek we just want to give you, since you spoke about international dancers, we've got one of the biggest international dancers in our film called Lauren, who was in the first one as well. And I don't know where she's sitting right now, but Lauren, what's up? But Lauren has collectively... taught me and Shraddha through this film a lot, because she's very learned about dance. She always says, keep the step in the pocket, last minute, keep it in the pocket. I always remember that what she taught me. And she's amazing, and I had the good opportunity of dancing with her. And I had the opportunity to be trained by her.
there are a lot of sequels where sequences where we are dancing together, and she is a dancing queen and diva and all of that, and I had to match up with her. So thank you, Lauren, for being patient and teaching me the steps, and Remo sir for making sure that we match each other as much as we can. Yeah. Hi Varun, Shraddha. Release से पहले ही मैं आलोक बोल रहा था. मर्चेंडाइज आ रही हैं और टीवी शो में भी ये फॉर्मेट जा रहा है, तो ये कैसा एक्सपीरियंस होने वाला है, थोड़ा सा आप दोनों भी बताना चाहें. आई थिंक पहली बार ऐसा हो रहा है मेरी किसी पिक्चर के साथ, इनकी किसी पिक्चर के साथ. एंड जो भी आप देखोगे बैग्स कैब्स जैसे हम लोग ने अभी देखा एवी में, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे थे. तुषार ने ऑलरेडी एक दो कैब मांग लिए, तो आई थिंक वो बहुत अच्छा होगा. बिकॉज इन द वेस्ट वी ऑलवेज सी विद सुपर हीरो फिल्म्स और फ्रेंचाइजी फिल्म्स दैट मर्चेंडाइज एड्स टू द वैल्यू. एंड सेम वे एबीसीडी वन कितने फैंस थे बच्चे और पागल हो जाते थे और स्टेप्स कॉपी करते थे. सो आई एम होपिंग एबीसीडी टू के बाद और भी होगा, एंड वी आर एक्चुअली डूइंग द स्टेप्स इन द मर्चेंडाइज, सो यू विल गेट टू सी दैट एंड होपफुली द फैंस विल वेयर इट. विल वी बी गेटिंग रॉयल्टी फ्रॉम दैट? विल यू वांट सम? बोल दो थोड़ा बहुत. आई डोंट थिंक वी गॉटन इन टू दैट, बट मे बी हैप्पी टू बी वेयरिंग इट बिकॉज़ आई सेंड माय लॉयर्स टू यू, कैन गिव देम सम टिप्स लाइक द वे यू थिंक. हेलो वरुण, क्या आपको मौका मिला प्रभुदेवा सर के साथ पैर थिरकाने का? हाँ बिल्कुल मौका मिला मेरे को. रेमो सर को बहुत प्लीड करना था कि प्लीज मुझे ये चांस दो. In the beginning he was not letting me do it because it was not in the script or there was no need, but maine actually background mein like a background dancer maine is film mein dance bhi kiya hai behind Prabhu sir, and actually mujhe itna dar laga tha pehli baar kyunki main hamesha aage khade hokar dance kar raha hu, but if there's a man standing ahead of you who's dancing at twice the speed to you're like are ye. And मैं सच बोलूं सेम स्टेप आप इनको सिखा दो, मुझे सिखा दो, किसी को भी सिखा दो, पर जब ये करते हैं स्टेप तो स्टेप डिफरेंट लगता है. आई डोंट वो मेरे को एंड मैंने सब बॉयज के साथ डिस्कस भी किया था कि ये कौन सा स्टाइल है भाई, ये किधर से आया है, क्या है. एंड दैट्स जस्ट प्रभु देवा आई थिंक, यू कांट उनके बॉडी से जो निकलता है वो बस. प्रभु सर विल फूल यू सो बैडली, ही विल कम फॉर रिहर्सल, ही विल सी द स्टेप एंड देन ही विल बी लाइक दिस इज वेरी डिफिकल्ट, दिस इज सो टफ, एंड यू कम बैक इन 3.5 मिनट्स एंड ही नोज इट. अरे अभी इतना ट्रेलर दिखाया. हाय वरुण, ओके वरुण, व्हाट वुड बी योर लुक, यू विल गिव अ थम्स अप फॉर बदलापुर और एबीसीडी? राइट नाउ एबीसीडी, एबीसीडी. ओके आई एम लिविंग ब्रीदिंग ईटिंग स्लीपिंग एवरीथिंग ओनली एबीसीडी 2 टिल जून 19. दिस फिल्म इज माई लाइफ. आई हैव गिवन इन एज मच एफर्ट इन दिस फिल्म लाइक आई हैव गिवन इन बदलापुर. Physically you don't understand how hard it is for what these dancers do. Some of the boys, Chandan who was a b-boy and he fell in India, we don't have that infrastructure, we don't have mats given to these boys. They practice on streets, they practice on grounds, they practice on just little grass they'll practice. They've broken their wrist, they've broken their arm. So this film is to all the dancers out there because they are the real heroes. Varun and Remo sir, you both are having the same tattoos on your right hands. What's the story behind this? नहीं हम लोग लुक डिसाइड कर रहे थे कि क्या लुक होगा, तो मैंने कहा कि यू शुड हैव टैटू बिकॉज एवरी डांसर टैटू होता ही है उनके, उसमें एक लुक सेट हो जाता है. तो जब टैटू की बात हुई तो फट से इन्होंने कहा कि मुझे एग्जैक्टली ये सेम टैटू कराना है. सो आई सेड ठीक है, मैंने सिर्फ यही कराना, बाकी कुछ मत कराना. परमानेंट? परमानेंट नो, नो नो इट्स नॉट, बट यू फील इट्स परमानेंट डोंट यू? I that's the whole idea. Shraddha ne bhi kara hai jo Lizelle ma'am ke tattoo hai, who's Remo sir's wife. Yeah. Shraddha has got that done. So I don't have it today but it's in the film. It's there. It'll come. Okay. Thank you. Varun, why is it so? Yeah. Why is it so forgetfulness is but a process? Why is it so that people always like to forget the earlier film? Like you prefer you're talking about Badlapur just now you said. Why is it so? Because I think this is not only a thing with the movie makers or like actors and stuff. I think it's a part of our country, and I believe in forgetting. जो past में था ना, वैसे तो past life में भी जा सकते हैं regression. क्यों जाके जी हम लोग अतीत में? जो future है, जो present है, उसको पकड़ के चलना चाहिए. And the present and the future is ABCD 2.
Like the first shot, if you see those CG robots, that's probably the future. That's not come to our country. But uska ek jhalak milega aapko dekhne ko ABCD 2. So we are trying to move cinema ahead, be progressive. Badlapur ek alag genre thi, alag film thi. But mera yehi attempt hota hai ki har film mein ek naya genre, ek kuch naya karne ke liye. And ABCD 2 is a brand new genre. I don't think koi bhi actor aap dekhoge aaj ke time mein koi dance genre ka film kar rahe. I think Shraddha and me are one of the first actors to have picked up that genre. So because we want to take it ahead as a genre. वरुण आपके फिल्मों में आपका नाम जो किरदार का नाम होता है कभी सुरेश कभी राकेश कभी हमटी का राकेश था सीनू रघु काफी लोकल और मतलब आम जनता का नाम होता है इसके भी पीछे कोई वजह है इस पे भी काम चलता है या यूं ही रख दिया जाता है आम आदमी तो जा रहा है हर जगह दिल्ली से लेके देख लो आप तो इसको ही पकड़ के चलना है You have recently launched your own clothing line that's Imara. Imara. So, Imara, sorry. So, do you see